तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सेल और सेल के पार्ट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, मतलब कि सेल किस चीज़ों से मिलकर बने होते हैं और उनके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ द डायनेमिक फ्लूइड स्ट्रक्चर दैट प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ सेल। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक डायनेमिक फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्सटर्नल मतलब बाहरी बाउंड्री पे पाया जाता है, किसकी, सेल पर, जो क्या करता है इंटरनल पार्ट को क्या करता है सराउंडिंग से क्या करता है सेपरेट करता है। सेल वॉल क्या होती है, द सेल वॉल इज़ अ रिजिड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। वो एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है रिजिड दैट सराउंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ पाया जाता है, मोस्टली फाउंड इन प्लांट्स। ठीक है, राइबोसोम्स तीसरे पार्ट है। राइबोसोम्स कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। ये राइबोसोम जो होते हैं आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और इनकी यूनिट्स टू कम टुगेदर, मतलब कि साथ में आकर इनकी यूनिट्स जो हैं वो ट्रांसलेट करती हैं किसको,